हेलो दोस्तों, बीएससी की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट ओके कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की रिटन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या बोल लीजिए सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो लिखित परीक्षा होती है, पेपर होता है, जो तीन सेक्शन में करके आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, इस बार कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको लेकर के हम हाजिर हैं आज की वीडियो में। ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे, इसका पूरा मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। इसके अलावा इसमें से फंसने के चांसेस कितने रहेंगे और इसको आपको परचेज कैसे करना है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से मैं पहले इसका डेमो ही दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो मैंने बुक से सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप तब भी उसे परचेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाईलाइटेड जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कम से कम 400-500 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें से मैंने 100 क्वेश्चन सिर्फ निकाला है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उतना ही सिर्फ आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। उसी में से मेरी गारंटी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, और ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया था, सेकंड में भी दिया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उसका पेपर डालूंगा बहुत ही जल्दी चैनल पर, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए थे। इसके अलावा इसके पहले जब ईयर वाइज था, जब सेमेस्टर वाइज नहीं था, तब भी हम लोग प्रोवाइड करते थे गेस्ट पेपर, आप जाके देखिएगा, उसका तो मैंने पेपर भी डाला हुआ है बाकायदे प्रूफ के साथ कि सारे क्वेश्चंस मैंने टिक किए हुए हैं, सारे के सारे पेपर के क्वेश्चंस यहीं से आते थे। तो इसका जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन प्रोवाइड करने का रिटेन का, ये बेसिकली पैटर्न रहेगा बुक के। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस उसमें हैं, जैसा कि मैंने बताया 400-500 क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं हाईलाइटेड फॉर्म में आपको यहाँ पर दूंगा, कुछ इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी की जो यहाँ पे अनहाइलाइटेड क्वेश्चन है ये आपको नहीं पढ़ने हैं, जो यहाँ पे हाइलाइटेड क्वेश्चन रहेंगे वही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पढ़ करके जाना है, तैयार करके अपने एग्ज़ाम में जाना है। और भरोसा रखिए, जब आप पेपर दे के आएँगे तो आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप आकर के इस वीडियो के नीचे अपना एक रिव्यू ज़रूर दें, अपना एक फीडबैक, अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़ें कि इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जहाँ पर रिटन पेपर हो रहा है, ठीक है। एमसीक्यू हो रहा है तो एमसीक्यू के लिए हम लोगों ने अलग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बना के रखा हुआ है, एमसीक्यू भी आपको अलग से मिल जाएगा, और ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी मैं आपको दिखा, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए हाईलाइट करके मैंने किया हुआ क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से सभी यूनिट के एक ही पीडीएफ के अंदर टोटल जो आपकी 8 यूनिट है, सभी 8ों यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से हाईलाइटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। एक ज़रूरी सूचना ये कि इसके आंसर आपको इस पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए थे और क्वेश्चन ही आपको हाईलाइट करके यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये बड़ा सा पूरा पीडीएफ है और इसमें सभी यूनिट के क्वेश्चंस को हमने हाईलाइट किया हुआ है। मैं लास्ट का आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, लास्ट में तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कितना कितना क्वेश्चन, एक एक चैप्टर से 60-60, 70-70 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, तो सब नहीं आपको पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है वो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, बस वो आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ करके जाते हैं तो भरोसा रखिए सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएंगे। अब आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए इसका जो मैटर होगा, इसका जो आंसर होगा, आंसर के लिए आप दो चीज़ ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे सारा कुछ परचेस आपको करना है। तो उसके लिए नोट्स जो कि हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं नोट्स, तो नोट्स आपको ले लेना है। इसके अलावा नोट्स से क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएँ, तो इसके लिए आपको बुक भी ले लेनी है, तो बुक प्लस नोट, ये दो चीज़ें इनफ रहेगा। और आपके पास नहीं है बुक और नोट तो दोनों हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड आपको कर देंगे। कैसे मिलेगा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये दो चीज़ें आप ले लीजिए
और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ ही जा रहा है, क्वेश्चन ले लीजिए। तो तीन चीज़ें कुल मिलाकर ये तीनों चीज़ें आप ले लीजिए, क्वेश्चन आपको इस PDF से मिल जाएगा, बाकी इसका जो आंसर है वो आपको बुक और नोट्स की हेल्प से मिल जाएगा, और वहाँ से आप आंसर निकाल करके अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। मैं खुद आपको आंसर भी प्रोवाइड करता, लेकिन थोड़ी समय की कमी है तो इस वजह से इस बार नहीं हो पाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएगा आपका थर्ड सेमेस्टर तो उसमें हम लोग ज़रूर हो सकता है प्रोवाइड करें, लेकिन इस बार तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी। हम लोग ये हाईलाइट करके दे दे रहे हैं, वही बड़ी बात है, क्योंकि 400-500 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना पड़ रहा है, फिर उसको एनालाइज़ करना पड़ रहा है कि आएगा नहीं आएगा कैसे क्या, पूरा पैटर्न समझना पड़ता है, तो बहुत टाइम इसी में चली जाती है। तो इस वजह से हम लोग इसका आंसर तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि आंसर में फिर से अगेन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारा आंसर खोज करके लाना पड़ेगा। तो वो काम क्योंकि आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ये यहाँ से आया था, ऐसा था वैसा था, आपको पूरा अच्छे तरीके से दिमाग में सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि ये जो PDF है और ये जो नोट्स है और ये जो बुक है, ये आपको मिलेगी कैसे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको सभी नोट्स यूनिट वाइज बिल्कुल सभी नोट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज़ का वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। बाकायदे वेबसाइट पर सारी चीज़ें डाल दी गई हैं और वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डाल दिया गया है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होकर के आएगा परचेज़ करने के लिए, उस पर आप अमाउंट डाल के अपना ईमेल आईडी नाम वगैरह डाल करके आप गूगल पे फ़ोनपे या पेटीएम से आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा और PDF आपका डाउनलोड होकर आपके फ़ोन में चला जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको पेमेंट करने उससे नहीं आ रही है तो उसके लिए मैंने आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही एक लिंक मैंने दिया हुआ है कि कैसे पेमेंट करें, नोट्स परचेस कैसे करें, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे परचेस आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट से परचेस करने नहीं आ रहा है या कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमने एक नंबर जारी किया है व्हाट्सएप नंबर, या इस पर आप बहुत इमरजेंसी में कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि कॉल जल्दी रिसीव नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, तो इसलिए आप कोशिश करिएगा व्हाट्सएप करने की 7080884759। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है 7080884759। आप अपना नाम बताना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है और ये बताना है कि आपको क्या क्या मैटर चाहिए, तो तुरंत आपको जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, लिंक भेजूंगा, आप डायरेक्ट इसी नंबर पर पेमेंट करके गूगल पे फ़ोनपे या पेटीएम से स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इसके बाद आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, ठीक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ग्रोवाज लर्निंग ऐप का जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, गूगल प्ले स्टोर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये क्लास 1 से 12 के लिए फ्री लर्निंग ऐप है, इस पर आप जा करके फ्री में वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास 1 से 12 में है तो आप उसको ये ऐप इंस्टॉल करके दे दीजिए और इसमें वो आराम से फ्री में इसको आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो आपको आप फेसबुक से अपने गूगल अपनी ईमेल आईडी से या अपने मोबाइल नंबर से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप अपना क्लास सिलेक्ट करिए, अपना बोर्ड सिलेक्ट करिए, बोर्ड में कोई भी आपका बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो या फिर UP बोर्ड हो, सभी बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है और सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे चैप्टर वाइज, और इसको पढ़ के आप अपना नोट्स वगैरह सारा कुछ फ्री में बना सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉस्ट फ़िलहाल नहीं लग रही है। तो ये है ग्रोवाज लर्निंग ऐप, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपसे कि आप प्लीज़ इसको इंस्टॉल करके अपने घर में कोई भी स्टूडेंट हो उसको ज़रूर दीजिए, होगी। और इसके अलावा आप किसी दूसरी क्लास में हैं या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट का आपको कोई मैटर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं, मैं आपको 100% प्रोवाइड करूँगा। कोई भी दिक्कत आती है आप यहाँ पे लिख के हमको बता सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो सिर्फ 100 रुपये में 100 रुपीज़ में एक यूनिट का पूरा लेक्चर PDF के साथ, फ्री PDF के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाएगी, और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो सिर्फ 10 रुपये पर यूनिट में आपको हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे
प्रोवाइड किया जाता है। तो कोई भी मैटर आपको चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के डायरेक्टली वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।